एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है इधर फाइट में जबरदस्तेला अपने ओपोनेंट को बहुत ही इजीली हरा देती है और इधर स्टेला के पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइक था जीतने का और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर स्टेला जीत जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को स्टेला और इक्की दोनों बातें करते हुए जंगल से घर पर जा रहे होते हैं जहाँ पर वो दोनों बहुत ही सारा रोमांटिक बातें करते हैं बहुत ही सारा बातें करते हैं और इधर स्टेला बोलती है क्या तुम्हें याद है इक्की हमने वादा किया है हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे हम दोनों एक साथ फाइनल में जाएंगे खैर इसके बाद ये जो बैकग्राउंड होता है इसमें कोई नहीं होता है ये बहुत रोमांटिक सा जगह होता है और इसलिए इधर इक्की मौके का फायदा उठाता है और इसके बाद इधर इक्की स्टेला के साथ किस करता है और इधर में दिखाया जाता है इधर एक हफ्सीलाल इधर दूर से ये सब देख रहा होता है और वो इधर एक फोटो भी लेता है और वो इधर हंस रहा होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एकेडमी में जहां इधर बहुत सारे स्टूडेंट इधर एक पोस्टर को देख रहे होते हैं और इधर इक्की होता है स्टेला होती है और इधर तदो होती है जो कि इन तीनों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था उस कंपटीशन में और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर और इसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर के रूम में जहां इधर डायरेक्टर पूछ रहे होते हैं इक्की से क्या तुम इस पर्सन को जानते हो जब इधर इक्की बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ और हाँ ये एक बहुत ही भद्दा सा आदमी था और इधर इक्की बोलता है मैं इनसे मिल चुका हूँ क्योंकि ये मेरे कुरगाने फैमिली से ही रिलेटेड कुछ है और इधर इक्की बहुत ही अच्छे से उस पर्सन को जानता था जब इधर इक्की फिर से बोलता है क्या कुछ होने वाला है क्या कुछ होगा जब इधर डायरेक्टर बोलती है मैं नहीं जानती लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं भी ऐसे नहीं बैठूंगी मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर कुछ हुआ क्या तुम मुझे मेरी नौकरी से निकालना चाहते हो जावर इधर इक्की बोलता है नहीं थैंक यू उसके बाद इधर से इक्की चला जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर इक्की और स्टेला आ रही होती है एक जगह से जावर इधर वो दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं और जो स्टेला पूछते है हमें मतलब हम इधर क्यों आ रहे हैं जावर इधर इक्की बोलता है मुझे पता नहीं लेकिन इधर हमें आने दिया है और उसके बाद इधर वो लोग मतलब वो दोनों इधर आ जाते हैं एक रूम में जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर वो सारे फाइटर्स होते हैं जो कि हाँ वो लोग इधर बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं और इधर जो दो होती है वो इधर उन लोगों के सामने ही इधर गिर जाती है जो भी हो वो इधर बहुत गुस्से में थी और वो इधर सबको संभाल रही होती है और बोल रही होती है तुम ये करो तुम वो करो खैर इसी बीच इधर इक्की बोलता है सॉरी आपको रोकने के लिए पर और इधर तो दो मुड़ के देखती है जहाँ पर इधर बोलती है मैं पूरे दिन आप लोगों से मिल नहीं पाई इसलिए सॉरी और उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है मैं हूँ स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट तो दो और इधर जो इक्की होता है वो इधर बोलता है हाँ अच्छा लगा और इधर स्टेला भी होती है वो इधर बोलती है हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा और इधर वो दोनों इधर बहुत ज्यादा शर्माए हुए थे जब इधर तो दो देखती है उसका नीचे से वो हाँ अंडरवेयर निकल रहा था और इसलिए इधर वो बहुत शर्माती है खैर इधर उन लोगों के बीच में इधर मस्ती मजाक होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग एक जगह में आ जाते बहुत सारे बच्चों के साथ और इधर वो लोग इसलिए आए थे क्योंकि इधर तो दो और वो छोटा सा लड़का वो लोग हमेशा जब भी वो लोग फ्री होते हैं वो लोग इस जगह पर आते हैं और उन बच्चों के साथ खेलते हैं टाइम स्पेंड करते हैं खैर इसके बारे में दिखाया जाए जो इधर बच्चे होते हैं वो इधर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो इधर स्टेला को देखकर इधर वो और भी एक्साइटेड हो जाते हैं और इधर स्टेला भी बोलती है तुम लोग क्या खेलना चाहते हो और इधर वो बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे खैर इसके बारे में दिखाया जाए इधर वो लोग खेलते हैं और इधर जो इक्की होता है वो इधर हाँ सब्जियां चिल रहा होता है और इधर इक्की इधर तो उसे बातें करता है जब इधर की अपने पावर के बारे में बातें करता है मतलब इधर वो आंखों का पावर जो है उसके बारे में बातें करता है जो भी हो इधर जो तो दो होते है वो भी अपने आंखों के बारे में बात करती है वो दूसरे का दिमाग जो होता है उसके स्टेट को पढ़ सकती है वो जान सकती है दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है और वो लोग कब क्या अटैक करने वाले हैं उन सबको वो जान सकती है क्योंकि उसके पास मतलब उसके पास वो हाँ पावर है और उसके बाद जो इधर तो दो होते है वो इधर बोलती है और उसके बाद इधर तो दो बोलती है इक्की और उस बच्चे को जाओ तुमने रेस कर लो और इधर उन लोग करीबी हो गया था और उसके बाद वो दोनों रेस करने के लिए चले जाते हैं जब हमें दिखाया जाए जो इधर इक्की होता है वो इधर दूर से भी इधर तो कोई देख रहा होता है और जैसे वो लड़का होता है वो बोलता है तुम इसको क्यों देख रही हो मतलब देख रहे हो जाओ इधर जो इक्की होता है वो इधर बोलता है मुझे देखना है क्या वो कुछ करेगी मतलब अपना मैजिक का यूज तो इसलिए मैं देख रहा हूँ और जो लड़का होता है वो इधर बताने लग जाता है कुछ बातों को जावर जब वो बोलता है चौथे में एक लड़का हुआ करता था जो कि अपने पेरेंट्स की जो मतलब पेरेंट्स से तंग आकर वो बहुत ज्यादा पागल सा हो गया था और इधर तोदो ही उसे संभाली थी लेकिन वो लड़का इधर तोदो को टाइम टाइम पर हर्ट करता था मतलब मारता था ऐसा कुछ करता था लेकिन तोदो ने उसे कभी नहीं छोड़ा और इसलिए शुक्र है वो एक बार फिर से इंसान का जो लाइफ है उसे जीने का उसको मौका मिला और इधर वो लड़का ये भी बोलता है तो का इधर सारे बच्चों को इधर इंस्पिरेशन देती है और हो सकता है कि ये जगह एक अनाथालय है लेकिन नहीं भी हो सकता है क्योंकि हाँ हमें दिखाया गया तो नहीं है तो हाँ नहीं भी हो सकता है जो भी हो इसके बाद हमें दिखाया जाए इधर वो लोग खाना खाते हैं जब इधर इक्की तो को ही देख रहा होता है और इधर वो बोलता है तो दो अपने लिए मैजिक मतलब अपने लिए पावर यूज नहीं करती है वो दूसरे के लिए पावर यूज करती है और उसके बाद शाम हो जाता है जब इधर
इक्की और स्टेला दोनों बस से आ रहे होते हैं और इधर वो दोनों बस से उतरते हैं और बस से उतरने के बाद ही इधर इक्की के दोस्त इधर आ जाते हैं। जावर इधर इक्की बोलता है, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो और इधर क्यों इतने ज्यादा हैरान हो। जावर इधर वो लोग इधर इक्की को एक पेपर दिखाते हैं और उस पेपर में एक फोटो था और वो फोटो था इधर इक्की और स्टेला का जो किस हुआ था उसके बारे में। और इसको देखकर उन लोगों के मतलब उन दोनों के फटके चारों जाता है और इधर में पता चलता है कि वो जो न्यूज होता है वो इधर चारों तरफ इधर स्प्रेड हो गया था। और इधर में दिखा जो ये न्यूज था ये बहुत ज्यादा भयंकर हो गया था क्योंकि इधर बहुत सारे मीडिया भी आ जाते हैं और जो इधर स्टेला होते हैं इधर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो इधर बोलते हैं ये सब किसने किया और वो इधर वो न्यूज पढ़ती है। चावर में दिखाया जाता है उस न्यूज में ये था फॉरबिडन क्वीन मतलब हाँ क्वीन नहीं प्रिंसेस स्टेला एक ऐसे लड़के के साथ जो कि कलंक है नाइट में, उसको कुछ नहीं आता है, वो बेकार लड़के के साथ मजे कर रही है, अश्लील काम कर रही है। जहाँ पर इधर ये सब बातें सुनकर जो इधर बातें सुनकर नहीं बातें पढ़कर इधर वो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और वो बोलते ये सब झूठ है और उसके वो उस पेपर को जला देती है। खैर इसी बीच इधर एक कार आ जाता है जहाँ पर हमें दिखा जाता है और इधर उस कार से एक आदमी निकलता है और वो वही आदमी था जो कि हाँ एपिसोड के पहले इधर कुड़काने से पूछा गया था ये आदमी को क्या तुम जानते हो और इधर इक्की जानता भी था। वैसे उस पर्सन के नेम था अकाजा और इधर अकाजा आके इधर इक्की को बोलता है तुम्हें बुलाया गया है एक जगह में हाँ शायद से एक इन्वेस्टिगेशन के लिए। जावर जो इधर स्टेला होते है इधर वो बहुत नाराज हो जाते हैं और वो बोलते है बहुत हो गया ये मजाक क्या तुम सोचते हो कि तुम अपनी मनमानी करोगे और इधर इक्की रोक लेता है और वो बोलता है सब ठीक है मैं समय से वापस आ जाऊंगा लेकिन मुझे जाना ही होगा। और उसके बाद इधर वो डिसाइड करता है कि वो भी जाएगा उस इन्वेस्टिगेशन में और उसके बाद इधर इक्की चला जाता है उस कार से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर इक्की होता है इधर वो बहुत ज्यादा शौक में था और इधर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है स्क्रीन। खैर इसके बाद इधर स्क्रीन काला हो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। इस रंगीन दुनिया में हमें रंगीन चीजें देखनी है लेकिन इधर काला हो जाता है। खैर जो यो इधर हमें दिखाया जाता है इधर इन्वेस्टिगेशन रूम में जब इधर कुड़काने को इधर लाया गया था पूछताछ के लिए और इधर हाँ ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है जब इधर दो लोग इधर डिजिटली आ जाते हैं। शायद इधर भी कोरोना हुआ था और इसलिए वो लोग इधर डिजिटली आते हैं और बोलने लगते हैं तुमने क्यों प्यार किया स्टेला के साथ और इधर इक्की भी जवाब देता है। जो भी हो इधर फिर से बहुत सारे पर्सन बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता है ये पागल बने प्रिंसेस के साथ अश्लील ये खपा खप करने का मतलब ये रिलेशनशिप रखना क्या ये सही है। जब इधर वो लोग ये सब क्वेश्चन करते हैं और इधर इक्की बोलता है स्टेला और मैं ऐसा कोई भी अश्लील चीज अब तक नहीं किया है और इधर अकाजा बोलता है तुम्हें जब तक कहने की परमिशन ना दिया जाए तब तक तुम अपने रेडियो को बंद कर दो। और उसके बाद इधर इक्की माफी मांगता है और उसके बाद इधर इक्की फिर से बोलता है मैं स्टेला से सच्चा प्यार करता हूँ और स्टेला भी मुझसे सच्चा प्यार करती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमने कुछ गलत किया है इक्की से तो किया है। और उसके बाद इधर सुनाई दिया जाता है और इधर इक्की कैद हो जाता है जो भी इधर में दिखा इधर स्टूडेंट काउंसिल रूम में जहाँ पर इधर भी इस बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं। हो सकता है कि ये सच में एक चाल था इक्की को उधर लाने के लिए। खैर इसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है जो इधर इक्की होता है उसको इधर एक रूम में बंद कर दिया जाता है उसको अब घर जाने नहीं मिलेगा यानी वो अब स्टेला से नहीं मिल पाएगा और वो एक रूम में बंद है। और इधर इक्की बहुत ज्यादा उदास होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर फिर से इधर टूर्नामेंट में जाकर जो इधर स्टेला होती है वो इधर बहुत इजीली फिर से जीत जाती है लेकिन इधर में दिखाया जाता है इधर जो स्टूडेंट्स होते हैं इधर वो बहुत थर्की थे शायद से इधर वो लोग वही अश्लील चीज के बारे में बोल रहे थे और इधर वो लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं और बोलने लगते हैं ये लड़की एक आवारा लड़के के साथ रहती है और ये सब करती है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है रात को जहाँ पर इधर स्टेला होते इधर वो बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि अब उसके रूम में इधर इक्की नहीं है। और उसके बारे में दिखाया जाता है फोर्थ डे में जहाँ इधर इक्की को लाया जाता है एक जगह में जहाँ इधर वो खेलेगा वो फाइट और जो इधर अजाका होता है इधर वो बहुत ज्यादा फालतू आदमी था और शायद से उसका ये सब प्लान था जो भी इसके बारे में दिखाया जाता है इधर उन दोनों के बीच में फाइट होता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है फिर से एकेडमी में जावर इधर वो लोग देख रहे होते मोबाइल में इधर जो इधर इक्की लड़ा था उसका के रिजल्ट जहाँ पर हमें पता चलता है इधर इक्की बहुत मुश्किल से वो फाइट जीता था। देखो अगर स्कूल में होता तो वो बहुत ईजिली जीतता और वहाँ है तो बहुत मुश्किल से तो इधर हमें क्लियर हो जाता है कि शायद से इधर कोई ना कोई रॉन्ग नंबर है। जो भी हो जो इधर स्टेला होते हैं वो इधर बहुत ज्यादा अपसेट थे और उसके साथ ही इधर बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो इधर बहुत तो मजे में थे और इधर कुछ भी बोल रहे थे और इधर स्टेला बोलती है ये सब मेरी गलती है अगर मैं नहीं मिलती इक्की के साथ तो ये सब नहीं होता। और जो इधर शिजुको होते हैं वो ये सब बातें सुनकर वो बहुत गुस्से में जाती है और वो इधर स्टेला के ऊपर अटैक क्योंकि इक्की ये साबित करना चाहता है कि वो तुमसे एक सच्चा प्यार करता है और इधर स्टेला भी ये समझ रहती है
हाँ इक्की इधर अपने प्यार को दिखाना चाहता है सबको, और इधर स्टेला फिर से अपसेट हो जाती है, और इधर में दिखा जाए इधर फिर से इक्की के ऊपर इधर इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन इधर जो इक्की होता है वो इधर कुछ अलग हो चुका था, उसके बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट आ गए थे, और इसके बाद ही फिर से दिन बदलता है और हमें दिखा जाए रात को जहाँ पर जो इधर स्टेला होती है वो अपना बाल काट लेती है, और उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है जो इधर इक्की होता है वो इधर फिर से फाइट करता है और वो इधर फिर से जीत जाता है। लेकिन जो इधर इक्की होता है इधर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, शायद से उसे खाने भी नहीं दिया जाता और इसलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और वो इधर जहाँ पर उसे बचाने के लिए एक लड़की आती है लेकिन उसको भी बोला जाता है तुम उसे दूर रहो, और वो इधर वॉमिट कर देती है एक जोर का, जहाँ पर इधर जो सारे लोग होते हैं वो जाका होता है पागल सा भद्दा सा वो ये सब देखता है, और इसी बीच वो लड़की इधर इक्की के कोट में नहीं हाँ कपड़े में एक चीज डाल देती है, और शायद से ये उसका एक प्लान था, और सच वो भी उम्मीद नहीं था, सॉरी गाइस ये उम्मीद नहीं था, ये था इधर इक्की का जो टीचर है वो थी, तो इसलिए उसके मुंह से खून की उल्टी आती है ठीक है, और उसके बाद वो इधर से चली जाती है, और उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है जो इधर इक्की होता है इधर वो बहुत ही ज्यादा टूट चुका था, वो इधर बहुत ज्यादा थक चुका था इधर रह के, खैर इसके बाद वो इधर फिर से नहीं वो इधर वो लेटर देखते है मतलब वो चीज देखते है, और उसके अंदर होता है इधर स्टेला के बाल, और इधर इक्की समझ लेता है जो इधर स्टेला होते है वो अपना वादा पूरा कर रही है, क्योंकि हाँ उसका बाल है, तो वो एक मैसेज देती है इधर इक्की को, और वो इधर बोलता है इधर स्टेला अपना वादा पूरा कर रही है तो मुझे भी करना ही होगा, मुझे भी जीतना ही होगा, इधर वो थोड़ा मोटिवेट होता है, लेकिन इधर उसको तो पनिशमेंट दिया ही जाता है, वो तो बंदा ही है, तो इसे वो बोलता है मुझे अपने पापा से मिलने दो, वो है दे इस एजेंसी का कुछ भी वो है दे तो मुझे उनसे मिलने दो, और इधर तो जाका होता है वो इधर बोलता है क्या तू पागल है ऐसे दे देंगे क्या, लेकिन इधर उसे पर इधर एक मेल आता है, और इधर जाका बहुत गुस्से में आ जाता है, और जब मेरी कहते डायरेक्टर को जो की इधर बोले होते एक की अपने पास का सामना करो, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर एक की होता है वो इधर एक आदमी के पास आता है जो कि होता है इक्की के फादर, और इक्की के फादर इधर बोलते हैं इक्की को देखकर मैंने सुना है कि तुम अपने मैच जीते जा रहे हो, और वो भी ऐसे वैसे ओपोनेंट के साथ नहीं बहुत सारे पावरफुल ओपोनेंट के साथ, हाँ ये इम्प्रेसिव है, और इधर इक्की सोचने लग जाता है मैं काफी दिनों पहले ही शायद से मैंने कुरगाने फैमिली को छोड़ देना चाहता था, और मैं कभी अपने कमजोरी को नहीं हरा सकता ये मैं जानता हूँ, और उसके वो कुछ सोचने लग जाते हैं कुछ विजन आने लगते हैं, क्या मैं अपना पावर सोर्स ढूंढ रहा हूँ या फिर कुछ और, ऐसे वो सोचने लग जाता है, और वो इधर थोड़ा हैप्पी हो जाता है, और वो बोलता है मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ पापा, लेकिन हाँ मैं अब भी एफ रैंक में ही हूँ पर मैं अलग हूँ अपने उस यूजलेस पास से, वो इधर फिर से बोलता है अगर मैं 7-स्टार स्वॉर्डमैनशिप टूर्नामेंट जीत चुका, मतलब इससे में ये पता चलता है जो इधर इक्की के फादर होते हैं वो इधर इक्की को छोड़ दिए हैं, और हाँ काफी घटिया फादर है ये, इधर वो बोलता है अच्छा, और इधर वो फिर से बोलता है तो तुम हमेशा सोचते हो कि तुमने कोई मान्यता नहीं पाए है क्योंकि तुम कमजोर हो, अगर ऐसा ही है तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, हालांकि किसी से एक स्किल सीखना बिना टैलेंट के ये यूजलेस है टीचर और स्टूडेंट के लिए, और वो इधर फिर से बोलता है नहीं मैं विश करता हूँ ये सिर्फ यूजलेस हो, बस ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ बस ऐसे ही जैसे तुम अभी हो, और जो इधर इक्की होता है वो इधर बोलता है मैं समझ गया पापा मुझे हेट नहीं करते हैं, बस ऐसा है कि उन्हें कोई उम्मीद या सोच नहीं है मेरी, पापा के लिए मैं एक फेलर बेटा नहीं हूँ, पर जब से तुमने नहीं किया जब से तुमने कुछ नहीं किया कुछ भी ये सब है जो मैं विश करता हूँ आपसे, और इधर इक्की रोने लगता है, और इधर इक्की का फादर बोलता है तुम क्यों रो रहे हो, हाँ इधर इक्की को अपने फादर के साथ मिलकर भी कुछ नहीं होता, उसको कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब वो फिर से प्रिजनर होने वाला है, खैर इसके बारे में फिर से दिखाया जाता है जो इधर इक्की होता है वो इधर बहुत ही मुश्किल से फिर से एक ओपोनेंट को हरा देता है, इधर इक्की बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि उसको साइंस खाना भी नहीं मिलता है, और वो फाइट करता ही जा रहा था, और उसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन भी हुए थे, लेकिन इधर इक्की हार नहीं मानता है, हो सकता है कि उसे नहीं छोड़ा जाए, हाँ ये सब एक प्लान था शायद से नहीं एक प्लान ही था, जो भी इधर में दिखाया जाता है जो इधर इक्की होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन वो ऐसे ही अपना 19 मैच जीत जाता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर डायरेक्टर होते हैं वो इधर सिजुको के साथ बातें करती है, और इधर वो बोलती है एक बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर इम्प्रोसमेंट डे के दिन जहाँ पर इधर जो इक्की होता है वो इधर बहुत ज्यादा कमजोर होता है, और उसके ऊपर इधर जो काजा होता है वो इधर बोलता है हमारे लिए मॉरल्स कमी थी ये कंडीशन काफी है, अगर तुम अपना क्वालिफिकेशन नाइट की तरह खत्म करना चाहते हो, अगर तुम नाइट बनना चाहते हो तो तुम हमें दिखाओ तुम कैसे नाइट बन सकते हो, हमें दिखाओ कि तुम कैसे ये बैटल जीत सकते हो दुनिया के आंखों के सामने,
अगर तुम राकी डे के खिलाफ जीत गए हम ये क्वेश्चन करना भी बंद कर देंगे। बदले में हम तुम्हें एक मैजिक नाइट बनाएंगे। और की बोलता है समझा और दिखा जाता है मतलब इधर बोला जाता है मैच चालू होगा कल सुबह 11 बजे और उसके बाद हमें दिखा जाते जो इधर सिजुको होती है वो इधर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। ये सब बात है सुनकर जो इधर स्टेला होती है वो भी इधर बहुत ज्यादा नर्वस होती है और वो सोच रही होती है इधर इक्की के साथ क्या हो रहा है, इधर इक्की कैसा है। और ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ बहुत सारा गलतियाँ हुआ है लेकिन इसको इग्नोर करके अच्छे सुनो और उसके साथ ही हाँ प्लेलिस्ट में इसका एपिसोड है तो बाकी सारे एपिसोड भी देखो। और ऐसा मत बोलो कि भाई मुझे नहीं मिले इसके अगले वाले एपिसोड का क्या हुआ। देखो मजे लो, लाइक करो, सब्सक्राइब।